दे लाइक टू, कौन सा ड्राई होता है वो, चमकीली हो गई इसकी, चमकीली। बैटमैन बैटमैन, मैं हूँ बैटमैन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा चौधरी एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो एज यू ऑलरेडी रेड द टाइटल, एल्ला, एज यू ऑलरेडी रेड द टाइटल, आई एम गोइंग टू ट्राई 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन। ओके, उसके बाद में रिजल्ट देखेंगे कि कैसा है। पहले क्लोजअप। ये नहीं, ये वाला मार्क्स अभी भी रिसेंटली आया मेरे को, ये यहाँ पे बाकी। ये हमारी स्किन का कलर देखते हैं। ये 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर के बाद हमारी स्किन ग्लोइंग बनती है या फिर नहीं। आर यू एक्साइटेड? प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो फर्स्ट मैं ना फेस फेस एक बार अपना फेस वाइप कर लेती हूँ और देखते हैं कि क्या है हाल। और आज हमारे यहाँ पे कन्या बैठी थी, जिसको भी खाना खाना है वो आ जाना। यू आर इनवाइटेड, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओ डन, कुछ भी नहीं है हमारे फेस पे। तो अभी हम, तो फर्स्ट रूटीन क्या होता है, डबल क्लेंजिंग। पहले हम अपने बालों को हल्का सा पीछे कर लेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन इज डबल क्लेंजिंग। एंड डबल क्लेंजिंग में आई एम गोइंग टू यूज दिस फेस शॉप लाइट क्लेंजिंग ऑयल। और एज यू कैन सी, मैंने इतना यूज कर रखा है तो आई लव दिस क्लेंजर। काफी ज्यादा लाइट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है। तो हम इससे अपने फेस को क्या क्लेंज, डबल क्लेंज करेंगे। ओके, तो आई एम गोइंग टू यूज 2 पम्प्स ऑफ दिस ऑयल क्लेंजर। लाइक कुछ आए, 1 1 एंड 2। ओके, तो मैं डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करने के बाद जस्ट 2 मिनट तक मैं इसको फेस पे, क्या इसको क्या बोलेंगे, फेस पे 2 मिनट तक अपने फेस को इससे क्लीन करने की कोशिश करूंगी। लाइक दिस दिस एरिया दिस। और कोरियंस प्रिफर ऑयल क्लेंजिंग मोर देन बाम क्लेंजिंग। लाइक बाम रहने दे तू, कोरियंस यूज ऑयल क्लेंजर मोस्टली। एंड ऑयल क्लेंजर हेल्प्स टू रिमूव सीबम, ऑयल प्रोडक्शन एंड सनस्क्रीन एज वेल। तो फर्स्ट स्टेप ये, इसके बाद लाइक दिस। अब हम इसको और क्या है, वाटर के कांटेक्ट में आके ये फोमी हो जाएगा, देखना। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट ट्रस्ट मी, आ रही फोमी हो जाता है। एक सेकंड, तो अब इसको वॉश करके आते हैं। नाउ द सेकेंड स्टेप इज दिस वाटर बेस्ड क्लेंजर क्लेंजर एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉजरेक्स लो पीएच गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर। एंड एज यू कैन सी, ये मैंने काफी ज्यादा यूज किया, ठीक है। एंड आई लव दिस एज वेल। वे सारे प्रोडक्ट्स मोस्टली वही हैं जो मैं यूज करती हूँ ऑलरेडी। और ये भी ना बहुत अच्छा फोम बन जाता है इससे भी। लाइक दिस, एंड इट इज हेल्पफुल टू रिमूव स्वेट एंड डर्ट, एंड बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और जो भी ऑयल का थोड़ा बहुत रेजिड्यू बच गया हो उसको भी क्लीन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो सेकेंड स्टेप है हमारा वाटर बेस्ड क्लेंजर। नाउ इसको करने के बाद अच्छे से, ओके, एकदम से क्लीन एंड हाइड्रेटिंग हो गई है मेरी स्किन। एंड द थर्ड स्टेप इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में आप कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं या फिर कोई टोनर जो एक्सफोलिएट करता हो। आई एम गोइंग टू यूज दिस क्ले मास्क फ्रॉम इनिसफ्री।
एंड आई लव दिस क्ले मास्क, लाइक लिटरली इतना ज्यादा डीप क्लीन कर देता है ना, काफी अच्छे से, आपको पता भी नहीं चलेगा, लाइक दिस। और हल्की सी अपनी स्किन को ना वेट छोड़ देना, ओके, लाइक दिस। पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे हम इसको, और ये हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है, एक्सफोलिएशन का ये काम होता है, और एक्सफोलिएशन को मैक्स वंस और ट्वाइस अ वीक करना, उससे ज़्यादा कोई फायदा है नहीं। और मेक श्योर टू अप्लाई सनस्क्रीन आफ्टर यू एक्सफोलिएट, बाकी सनस्क्रीन तो डेली भी ज़रूरी है गाइस लगानी। मैं हेयर लाइन पर लेके नहीं जाना चाह रही हूँ, नाक तो रह गई, दिस। तो अभी हम इसको 15 मिनट्स के लिए, और एक्सफोलिएशन फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, अभी मैंने फिजिकल यूज किया, जैसे कि स्क्रब हो गया या मास्क हो गया, फिजिकल में आते हैं। और केमिकल में ज़्यादातर पील्स या फिर कोई टोनर्स, ये सारे केमिकलों में आते हैं। तो अभी हम इसको, इट्स ऑल क्लीन अप, दे लाइक टू यू एयर ड्राई द फेस बट आई एम गोइंग टू यूज टिश्यू बिकॉज आई हैव टू मेक मीडियम। फोर्थ स्टेप इज टोनर्स, ओके, एंड आई डोंट नो मैंने कितनी बार ये टोनर दिखाया है, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस टोनर, इट्स फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जिसोन का जिनसिंग एसेंस टोनर, एंड आई लव दिस टोनर। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको अपने हैंड्स पे पोर नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने फेस पे, लाइक दिस। ये ना काफ़ी ज़्यादा सूद कर देता है स्किन को, और क्ले मास्क के बाद थोड़ा वही रेसिड्यू रह बच गया होगा, इसको क्लीन करने में हेल्प करता है और सूद करता है, और एक हाइड्रेशन की लेयर ऐड कर देता है एज पर कोरियंस। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप इज डन, वी कम टू फिफ्थ स्टेप, दैट इज एसेंस। एसेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, फॉर एसेंस आई एम गोइंग टू यूज एवरीबडीज फेवरेट दिस लिटिल थिंग, कॉज आर एक्स स्नेल म्यूसिन पाओ, स्नेल म्यूसिन 96 पावर। इसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने फेस पे, लाइक दिस, दो पम अप्लाई कर देंगे, ओके, लाइक दिस, ओके। एंड द फिफ्थ स्टेप इज ऑल्सो डन, वी कम टू सिक्स, फिफ्थ के बाद सेवेंथ कब से आने लग गया, सिक्स स्टेप इज ट्रीटमेंट। तो अभी हम ट्रीटमेंट के लिए, जैसे एज यू कैन सी मेरे थोड़े से एक्ने स्कार्स हो रहे हैं, और पता नहीं ये कब जाने वाले हैं भाई, मुझे नहीं पता। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस ग्लो डीप सीरम, आई लव दिस सीरम, एक तो बहुत जल्दी स्किन में सिंक इन हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगता है, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्किन देता है। तो और भाई ये कब से ख़त्म हो रखा है मेरे से, इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इसको मंगा लूँ, इस लाइक टू ड्रॉप्स हियर, टू ड्रॉप्स हियर, वन हियर, वन हियर, वन हियर, दैट इज इट, ओके, जस्ट लाइक हल्का सा इसको अपने ऐसे कर देंगे ताकि ये स्किन में हल्का सा सिंक इन जाए। नाउ और सबको एयर ड्राई करने के लिए हम 1 मिनट का, 30 या 40 सेकेंड का बीच में गैप देंगे हर स्टेप के बीच में, ताकि वो अच्छे से सिंक इन हो सके। और उसके लिए व्हाट आई एम गोना यूज दिस, डोंट बी एक्स्ट्रा दिस, ओके, देखो अभी तो हम कितने स्टेप पे पहुंचे, सिक्स, नहीं अभी तो हम सिक्स स्टेप पे पहुंचे, और अभी हमारे फोर स्टेप बाकी हैं गाइस, वेट करो थोड़ा सा। इन सब के बाद हम आते हैं द फेवरेट थिंग ऑफ 2020, 2020 आई गेस, हाँ, इज शीट मास्क, एंड आई डोंट यूज शीट मास्क, लाइक मैंने जिंदगी में मुश्किल से कभी एक या दो बार ही शीट मास्क यूज किए होंगे, और मुझे एक तो उनका आइडिया ही पसंद नहीं है शीट मास्क का, अगर इतना ज़्यादा करना है तो कॉटन पे या फिर टिश्यू पे रख के कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर फॉर दिस वीडियो वी आर यूजिंग द शीट मास्क,
एंड इट इज़ फ्रॉम क्लियर्स, इट्स मिड नाइट ब्लू कामिंग शीट मास्क एंड फॉर द वीडियो। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगती है शीट मास्क से, इसलिए मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, पर फॉर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। इट्स दिस, इट्स हाई ब्लैक ही है ये। इसके बाद मैं कितनी बड़ी झिंगूर लगने वाली हूँ वो तो मैं और तुम ही जानेंगे। ना वीडियो ठीक है, आई ड्रॉप थी भाई, दो दो जगह आए हैं हम, पहले इसको अपने फेस पे लगा लेंगे। ओके, ये क्या फनी, अपनी क्रिएटिविटी बैटमैन, बैटमैन मैं हूँ बैटमैन, तो यही ब्लैक ही मिला मेरे को। इतनी सारी शीट मास्क में ब्लैक ही मिला। ये मेरा ही काम है, मैं क्यों किसी को दोष दूँ। नाउ थोड़ा सा और हंसने की बारी आ गई है। शीट मास्क हेल्प करता है हमें ताकि हमारी स्किन सूद हो सके, बहुत ज़्यादा देर तक ग्लोइंग हो सके और हाइड्रेट हो सके। तो इतनी बात करने के बाद हम आपसे 15 मिनट के बाद मिलेंगे। ओके बाय। एंड 15 मिनट के बाद ये हालत खस्ता करता हुआ मेरी, इसको इंडिया की बैटमैन बैट वोमेन ग्लोइंग नहीं, पता नहीं क्या बोलूँ। तो हमारा सेवेंथ स्टेप भी डन हो गया। एंड नाउ वी कम टू द एट्थ स्टेप, दैट इज मॉइस्चराइजर। एट्थ स्टेप है आई क्रीम, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी आई क्रीम। तो व्हाट वी कैन डू इज लाइक मॉइस्चराइजर को ही हल्का से लेके लाइक दिस अपनी अंडर आई के नीचे लगा लेंगे, जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा लेयर। ओके, लाइक दिस, और ऑलवेज यूज योर रिंग फिंगर फॉर दिस, लाइक दिस। ओके, एंड नाउ द नाइन्थ स्टेप इज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर यूज करेंगे हम, मॉइस्चराइजर अगेन। मॉइस्चराइजर इज फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जिसॉन का, आई नो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी ऑफ जिसॉन के प्रोडक्ट्स हैं, बट आई लाइक, आई रियली लव देम। तो अरे कितनी शोर नहीं हो रहा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो गाइज प्लीज़ अवॉइड कर देना। अब हम ये यूज़ कर लेंगे इसको अपने फेस पे लाइक दिस। ओके, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो गई है, चमकीली हो गई इसकी, चमकीली। ओके, अब मुझे सच में इरिटेशन हो गई है। नाउ द 10th स्टेप इज लिप मास्क। ठीक है, तो हाँ आई एम यूजिंग दिस लानेज, सबने इसके बारे में सुन रखा होगा, ऑब्वियसली इतनी तुम्हारी स्किन चमक क्यों रही है। क्योंकि मैं 10 स्टेप कोई स्किन केयर करके आई हूँ, इसलिए चमक रही है गाइस। प्लीज डरना मत, मैं लाइट का भी काम कर दूंगी। नो तो अभी हम इतनी सारी बकवास करने के बाद में अपने फैन को ओपन करते हुए 1 मिनट का इसको इंतजार करेंगे ताकि हमारी स्किन में सिंक इन हो जाए। उसके बाद हम एक चीज यूज करेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज दिस सनस्क्रीन, एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जिसॉन। ओके, ये भी हमारी ब्यूटी ऑफ जिसॉन की सनस्क्रीन है,
एंड आई लव दिस सनस्क्रीन एज वेल। कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है इनमें से, एक किसी ने तो किया होता काश, पर इनमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो नाउ वी गोना अप्लाई दिस सनस्क्रीन। वैसे ही बहुत ज़्यादा मेरे को हैवी लग रहा है फेस पे, शीट मास्क ना बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। मतलब ऐसा लगता है कि कितने सालों का हाइड्रेशन मैंने एक साथ ही पुट कर लिया, इसलिए मैं शीट मास्क यूज़ नहीं करती हूँ। एंड टू फिंगर रूल अगेन, लाइक दिस। और प्लीज गाइड्स डोंट फॉरगेट योर नेक, मैंने वीडियो के चक्कर में नेक पे नहीं लगाया है, वरना मैं नेक पे भी लगाती हूँ। लाइक दिस दिस दिस, बचा कुछ अपने हाथों पे कर लो यूज। नाउ वेट करो वेट करो वेट करो। 2000 years later, अब आप लोग मेरी स्किन को कंपेयर करना जैसे पहले थी और जैसे अब है। ओके तो ओ सो ग्लोई, बट आई डोंट लाइक दिस। ये ना मैं आपको लाइक ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, अगर आप हफ्ते में एक बार यूज करना चाह रहे हो ये 10 स्टेप, तो वो सही है, ठीक है, यूज कर सकते हो, आज क्यों नहीं यूज कर सकते इनका। पर डेली बेसिस पे करना आई थिंक इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर भी 3-4 स्टेप 5 स्टेप कोई कर लेगा, लेकिन ये 10 स्टेप करना ना एक तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, और कम से कम 10 मिनट में 10 या 15 मिनट गए तुम्हारे, 10 या 15 मिनट नहीं भाई 1 घंटा गया तुम्हारा, क्योंकि 15-15 मिनट में तो 2 मास्क हो जाते हैं। तो इसलिए संडे को या फिर सैटरडे को यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की ट्राई करा है, तो ग्लो देख के तो देखो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी, मुझसे छोटे छोटे 1-1 मिनट का जो काम होता है ना वो करवा लो, उसे 15 मिनट लगा के फेस पे रेस्ट करना बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, और वो भी 2 मास्क के लिए। तो इसलिए कभी संडे के दिन यूज़ करा करो, और बाकी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले सबसे पहले पैच टेस्ट कर लिया करो, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इधर या फिर इधर या फिर इधर, और 24 घंटे तक वेट करो। अगर वो स्किन का कलर चेंज हो रहा है या फिर बम्स आ रहे हैं या फिर इरिटेशन लग रही है या फिर रेडनेस हो गई है, तो प्लीज़ उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना, उसको अपने फेस पे बिल्कुल भी यूज़ मत करना। कब तक मैं इसको फैन से हवा करती रहूँगी। और ये इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ। और क्या फिर को क्या आपको ये ट्रायल थिंग अच्छी लगी वो भी बता देना। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज, आई लव यू ऑल, बाय।